सतारा वाला के डाकू गांव की कुछ लड़कियां उठा कर ले गए थे सर। इंस्पेक्टर नाडकर्णी उन्हीं की पूछताछ के लिए गए थे। इनकी लाश मैं कैसे उठा कर लाया हूँ मैं ही जानता हूँ सर। शाबाश क्रूज। यस सर। गिव हिम फर्स्ट एड। ओके सर। ये सतारा वाला कौन है सर? सतारा एक बहुत घने जंगल का नाम है। बहुत से भागे हुए अपराधी वहां जाकर बसते हैं, डकैतियां करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। मीलों चौकी का पता नहीं, सड़क का पता नहीं। सतारा वाला उनके सरदार का नाम है। बस यूं समझ लो कि वहां उनका राज चलता है। हमारे होते हुए मैं जानता हूं बलराम तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन खबरदार मैं कहता हूं इस बेचारे की शक्ल एक बार फिर से देख लो। बलराम इनको पकड़ना कोई छोटे मोटे फोर्स का काम नहीं। मैं आज ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मदद मांगता हूं। सर मुझे एक मौका दीजिए। बलराम मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आप ही ने तो कहा था सर कि एक सिपाही 100 चोर के बराबर होता है। वो तो ठीक है, लेकिन जंगलों में ये लोग कहां कहां छुपे रहते तुम्हें मालूम नहीं? उनको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल बात है बलराम। वो मुझ पर छोड़ दीजिए सर, हम लोग भेष बदल कर जाएंगे। क्या कहा था ड्राइवर ने, हमारी लड़कियां उठा के ले गए? सतारा वाला, तुमने मेरा नाम नहीं सुना होगा, अब सुन लो। बलराम सिंह इंस्पेक्टर, और इस वक्त तुम और तुम्हारे आदमी गोवा पुलिस की बंदूकों का सामना कर रहे हैं। इंस्पेक्टर तुम शायद जानते नहीं, कुछ ही दिन पहले तुम्हारे किसी भाई बन की लाश को मैंने उधर भेजा था। जी हाँ, उसी लाश ने मुझे यहाँ भेजा है। अब तुम सीधी तरह मेरे साथ चलते हो या मुझे तुम्हारी लाश ले जानी पड़ेगी? बच्चे एक चुटकी बजाऊंगा। शोभा जी आप लड़कियों को लेकर टेंट में जाइए। मुखर्जी साहब लड़कियों में ध्यान रखिए। देखो देखो झोपड़ा चल रहा है। शाबाश मेरे शेर।
छुपे हुए लोग हैं बाहर आ जाए, वरना जो हाल इनका किया वो तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर बलराम सिंह। शोभा, शोभा। हाय। देखो नई मोटरसाइकिल लाया, चलो तुम्हें सैर करा लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं, वो डैडी के साथ सैनी की शादी पर जाना है। हाँ तो मैंने कब इनकार किया है? मैं जरूर शादी के बाद तुम्हारे डैडी से करूंगा। कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो, कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो? मैंने कुछ कहा, तुम कुछ सुन रहे हो? बच्चों के मामले में डैडी को क्यों लाना, वो हम लोग आपस में तय कर लेंगे ना। वैसे मेरी अपनी राय है कि बच्चे हमारे तीन होने चाहिए। देखो तुम उसे बच्चों से की बात करोगी ना, तुम्हें मारूंगी। भाई शोभा, मैं अभी से कह देता हूँ, मैं बच्चों को मारने वारने के हक में नहीं हूँ। परेशान क्यों नहीं करेंगे, बच्चे होंगे तो परेशान करेंगे ही, वरना पैदा क्यों करें? बंद करो ना, हम प्लीज ना नहीं देता। I love you. क्या? I love you. एक मिनट, क्या कहा?